Compounding interest is the eighth wonder of the world. Compounding interest को दुनिया का वो आठवां अजूबा बोला गया है। ये किसने बोला? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बोला है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ प्रोसेनजीत देबनाथ। वेलकम टू प्रो स्कूल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस रिलेटेड टॉपिक मिलेगा जो आपका कैरियर बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मान लीजिए आप आपके दोस्त के पास से 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1000 रुपया लोन लिया तो आपको फर्स्ट ईयर में कितना पे करना पड़ेगा? 1100 रुपया। लेकिन वही इंटरेस्ट आपको 2 साल में कितना पे करना पड़ेगा? 1210 रुपया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ईयर में 1100 रुपया का 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जो आता है 110 रुपया। इंटरेस्ट जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट आता है 1210 रुपया। ऐसे ही आपको तीसरा साल में पे करना पड़ेगा 1331 रुपया। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालने का आसान फॉर्मूला है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू 1+R/100 फ्रीज टू एन माइनस पी। यहाँ पे पी इक्वल्स टू इनिशियल प्रिंसिपल जो आपने दोस्त के पास से लिया एंड आर इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने 10% के हिसाब से लिया एंड एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर। ये फॉर्मूला कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इजीली निकालने का फॉर्मूला है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने सेम 1000 रुपया 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेते तो आपको फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ता 1100 रुपया, सेकेंड ईयर में पे करना पड़ता 1200 रुपया एंड थर्ड ईयर में पे करना पड़ता 1300 रुपया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता है। हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हम लोगों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से लोन देता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर समझने के लिए मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक देश में एक राजा था जो बहुत ही अमीर था। एक आदमी ने उसको चेस या शतरंज खेलना सिखाया। शतरंज खेलना सीख के राजा बहुत ही खुश हुआ और सिखाने वाले को बोला, मैं तुम्हारा एक विश पूरा करना चाहता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट था। उस आदमी ने बोला, हमको राइस के कुछ दाने चाहिए। तो राजा ने पूछा, कितने दाने चाहिए? उस आदमी ने बोला, आपको चेस बोर्ड का एक ब्लॉक में एक दाना रखना है, अगले ब्लॉक में उसका डबल यानी 2 दाना रखना है, फिर अगले ब्लॉक में उसका डबल यानी 4 दाना रखना है। वैसे हर ब्लॉक में डबल करके आपको रखते जाना है, तो आखिरी ब्लॉक में जितना दाने होंगे उतना मैं ले लूँगा। तो राजा ने सोचा, इतनी सी बात, तुम्हारी विश ग्रांटेड। एक चेस बोर्ड में टोटल 64 ब्लॉक होता है, तो अगर देखा जाए उस आदमी ने कितना दाने मांगे थे। पहला ब्लॉक में 1 दाने यानी 2^0, दूसरे ब्लॉक में 2 दाने यानी 2^1, तीसरा ब्लॉक में 4 दाने यानी 2^2। वैसे करके उसने आखिरी ब्लॉक में या 64 ब्लॉक में 2^63 दाने मांगे थे, जो टोटल आता है इतने दाने, जो कि उस टाइम का 1000 टाइम वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस था। इसलिए आइजैक आइंस्टाइन ने बोला है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट एंड ही हु डजंट पेस इट। अब पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, और अगर ध्यान से देखा जाए कोरोना वायरस भी कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ काम करता है। हर एक वायरस नया एक वायरस क्रिएट करता है।
इसलिए कोरोना वायरस का कोई पेशेंट इनिशियली लगता है ठीक है, लेकिन सडनली उनका तबीयत खराब हो जाता है। तो इसके साथ मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कंपाउंडिंग इफेक्ट समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक करके हमारे उत्साह ज़रूर बढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग और कौन सा टॉपिक में जानना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करके हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।